लेके आया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा ट्यूटोरियल निंटेंडो स्विच का। आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए, पीसी के लिए दिखाऊंगा मैं आपको चला के गेम। अपने बहुत ही घटिया वाहियात पीसी की स्पेक्स पे गेम चलेगा बिल्कुल मक्खन। यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, उसकी स्पेक्स बहुत ही बेकार है, वहाँ गेम चलेगा बिल्कुल मक्खन। निंटेंडो स्विच का गेम मारियो वंडर पोकेमॉन लेजेंड आर्केएफ। स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको आप इसको कैसे खेल सकते हो निंटेंडो स्विच के गेम्स को अपने मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड पे या फिर पीसी पे। तो देखो सिंपल बात है, आपको चाहिए एक एमुलेटर जिसका नाम है यूजू, जो अवेलेबल है आपके सारे प्लेटफॉर्म पे, पीसी हो एंड्रॉयड हो, मिलेगा आपको बहुत ही ईजीली इंटरनेट पे। करो उसको डाउनलोड, लिंक मिलेगी आपको गूगल पे बहुत ईजीली, यह मैं नहीं देने वाला। तो उसके बाद अब देखो पहले आप ये गेम कैसे चलेगा आपका मारियो वंडर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। मेरा फ़ोन है नथिंग फ़ोन 1, जिसमें आपको मिलेगी 8 GB रैम और स्नैपड्रैगन 778G+, और इसका जो GPU है वो है एड्रीनो 642, जो कि एवरेज है। देखो गेम चलेगा बहुत ही बढ़िया। तो ये है मेरा फ़ोन नथिंग फ़ोन 1, यहाँ पर मैंने खोला यूज़ एमुलेटर, यहाँ मैंने रोम करी डाउनलोड मारियो वंडर की, इसको करो ओपन, यहाँ लोडिंग हो रही है, बिल्डिंग लिखा रहा है शेडर्स, और यहाँ पे लोड होने के बाद गेम आपको खुल जाएगा आपके फ़ोन पे। यहाँ पे FPS आई अराउंड 30, यहाँ पे देखो गेम को मैंने करा ओपन, यहाँ पे मेरे सेव पहले से पड़े हैं, इसको ओपन करता हूँ। अब पूछेगा मेरे कलेक्टर कौन सा मुझे लेना है, यहाँ मैं लेता हूँ मारियो को, एज ऑलवेज फेवरेट है। इसके बाद यहाँ पे इसका ओके करा, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, यहाँ पे मिशंस आ चुके हैं जो लेवल्स हैं, और यहाँ पे गेम की जो लेवल है वो फर्स्ट लेवल स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे देखो गेम बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है और यहाँ पे गेम चला है बिल्कुल स्मूथ मक्खन। कमाल की बात है, निंटेंडो स्विच ना लेके भी गेम मैं खेल पा रहा हूँ अपने मोबाइल पे। एक पोर्टेबल डिवाइस बन चुका है मेरा फ़ोन, या गेम चल रहा है निंटेंडो स्विच का एक नया गेम मारियो वंडर, जो अभी आया था 6-7 महीने पहले। और क्या बताऊँ मैं आपको, इसकी FPS आ रही है अराउंड 35-40, और गजब बात है भैया, मज़ा आ रहा है खेलने में, सच बोल रहा हूँ मैं आपको। आप ट्राई करो, इसका जो साइज़ है रोम का अराउंड 3-4 GB है, और आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पे। अब रही बात इसको देने की, आपको शेयर करने की लिंक, वो मैं नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है गेम का बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जो चलते हैं हमारे PC पे, देखते हैं हमारे जो PC कंप्यूटर है वहाँ पे गेम कैसे चलता है। जो भाई स्पेक्स है PC की वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, i3 का 10 Gen है, 8 GB रैम है, और GT 1030 GPU जो है वो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। चलो देखते हैं हमारा अब कैसे चलेगा हमारे PC पे गेम। सबसे पहले आप ये देख लो, यहाँ जो गेम है चलते हुए गेम को अराउंड आधा घंटा हो चुका है और गेम बढ़िया चल रहा है अभी भी। थोड़ा फ़ोन हीट हो चुका है, यहाँ देखो उसकी सेटिंग उसकी इस तरह की है। यहाँ पर मिलेगा सिस्टम ग्राफिक्स, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला कस्टमाइजेशन सेटिंग्स के लिए, जो आपका फ़ोन है वो उस पर चलेगा, जितना अच्छा आपका होगा प्रोसेसर उतना बढ़िया चलेगा। ये मैं आगे जाने से पहले करें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, और मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ मिलेगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग सर्विस, PC रिलेटेड डिस्कशन, प्लेस्टेशन रिलेटेड डिस्कशन, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इशू हो आपके प्लेस्टेशन का, PC का, या फिर किसी भी गेम की बात करनी हो, जाके ज्वाइन करो, और आपको वहाँ पे गेम्स भी मिल सकते हैं रेंट पे। अब चलते हैं PC पे। जो मेरे स्पेक्स हैं बता दी मैंने आपको, बहुत ही बेकार है। मेरा GPU है GT 1030, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अब देखो जो यूजू एमुलेटर है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज है इस GPU के लिए, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि जो आपको मिलता है स्पेक्स निंटेंडो स्विच पे लाइट पे, वो एक तरह से GT 1030 की इक्वली है। इस हिसाब से गेम चलना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो ये है यूजो एमुलेटर निंटेंडो स्विच का, और उसको डाउनलोड, इसका साइज बहुत ही ज़्यादा कम है, इसको ओपन करो और यहाँ पे इसकी फाइल सारी आ जाएंगे। नीचे जाओ, ये है yuzu.exe, इसे ओपन करो और आपका ये एमुलेटर खुल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा प्रोसेस, जो मैं आगे खुल गया एमुलेटर। तो आपको चाहिए गेम्स जो आप करोगे इसमें रन, या मैंने कुछ गेम कर रखे डाउनलोड, इनमें से जहाँ पे देखो ये है मारियो वंडर है, पोकेमॉन के 2 गेम है। ये मैं ओपन करूँगा पहले मारियो वंडर, उसको ओपन करता हूँ और गेम खुल जाएगा फटाक से। ये मेरी स्पेक्स हैं बहुत ही ज़्यादा कम है, i3 का 10 Gen है और GT 1030, बहुत ही बेकार ग्राफिक कार्ड है, लेकिन यहाँ पे गेम चलेगा बिल्कुल मक्खन, क्योंकि गेम चल जाता है।
मेरा डुअल सेंस कंट्रोलर है। तो यहाँ पे PS5 के बराबर में गेम चल रहा है मारियो वंडर निंटेंडो स्विच के एमुलेटर पे। यहाँ पर जल्दी से मैं गेम शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। देख लो मेरे कंट्रोलर पे काम कर रहा है और यहाँ पर जल्दी से करेक्टर चूज करता हूँ। मारियो आ गया, लेट स्टार्ट। FPS आ रही है 50-60। लो कितना ऑप्टिमाइज एमुलेटर है ये। यहाँ पर देखो ये वो गेम है जो हम पहले खेलते थे और ये नया गेम है मारियो वंडर, अभी आया लास्ट ईयर। और जो इसमें चीज़ें मिल रही हैं ना देखने को, नॉस्टैल्जिया दे रहे हैं भर भर के। और यहाँ पे मारियो का सिर्फ एक ही गेम नहीं है, मारियो ओडिसी है, मारियो ब्रॉस 2 है, काफ़ी सारे गेम हैं मारियो के जो निंटेंडो के एक्सक्लूसिव हैं और इनको खेलने का अलग ही मज़ा आता है। बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में इस तरह से PC पे। वैसे अब निंटेंडो स्विच भी ले सकते हो, जो लाइट आता है वो बेटर रहेगा लेने के लिए, लेकिन वैसे ही इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है यहाँ पे कि आप गेम आप खेल लो मारियो या पे कोई भी गेम आपको खेलना हो। तो बात करते हैं दूसरे गेम के बारे में जिसका नाम यहाँ पे है पोकेमॉन। अब यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको पोकेमॉन लेजेंड आर्केस गेम। देखो यहाँ पे ये भी चल रहा है, ये गेम पोकेमॉन का है और ये है पोकेमॉन लेजेंड आर्केस। यहाँ पे गेम अभी बस बिगिन हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। जल्दी से इसकी लोडिंग करते हैं और गेम प्ले स्टार्ट करते हैं इस गेम का। ये गेम बहुत ही ज़बरदस्त है निंटेंडो स्विच का, बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। तो देखो यहाँ पे गेम प्ले इसका स्टार्ट हो चुका है, हमारे सामने 3 पोकेमॉन है और ये इसका गेम प्ले। तो देखो ये हम हैं और हमें पोकेमॉन पकड़ने हैं, हमारे जर्नी पर जाना है और इसमें सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो उसकी FPS अभी आ रही है वो आ रही 25 FPS to 30 FPS, जो कि कमाल है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है गेम खेलने के लिए, वो भी ऐसे PC पे, ऐसे डेस्कटॉप पे जिसकी स्पेक्स बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसमें आपको मिलेगी फिर 8GB रैम मेरे PC में, i3 का 10th Gen है और GT 1030 जो कि डियर ग्राफिक कार्ड है, इतना पुराना है। सोचो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो गेम मक्खन चलेगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो दिखाया मैंने आपको वीडियो में कि आप इस तरह कोई भी गेम खेल सकते हो अपने PC पे थ्रू यूजू। तो दोस्तों ये है मेरा एक बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल गेम को लेके जिसका नाम है मारियो वंडर, एक निंटेंडो स्विच का गेम जो आप खेल पाओगे अपने मोबाइल फ़ोन में PC में बहुत ही इजीली ना निंटेंडो स्विच ले। वैसे एक बात यहाँ पे है, जो बात आपको मिलेगी निंटेंडो स्विच के अंदर गेमिंग में वो आपको नहीं मिलने वाली ना PC में ना आपके मोबाइल में, क्योंकि निंटेंडो स्विच एक बढ़िया कॉन्सोल है, एक पोर्टेबिलिटी मिलती है आपको स्विच में। और जो इसका लाइट है वो तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब 15,000 में आपको मिल जाता है इसका लाइट कॉन्सोल, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे जो इसका गेम्स है थोड़े महंगे हैं, लेकिन वहीं पे जो आपको मिलता है उसका मॉड वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छा है। लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे कि आप खुद गेम बाय करना अगर आप चाहो इससे खेल लो एमुलेटर से, ये भी बढ़िया चीज़ है। वहाँ पे आपको मिलती है 30 FPS लॉक, यह मिलेगा आपको 30 FPS अनलॉक, जो कि प्लस पॉइंट है हमारे PC का। वैसे एक बात यहाँ पे और आती है, निंटेंडो स्विच लोग कहते हैं जो गेम है निंटेंडो स्विच के वो बच्चों वाले हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ जो उसके गेम्स है ना बच्चे वाले दिखने में हैं, लेकिन गेम्स खेलने में मज़ा बहुत आता है। और करें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे चैनल पे व्यू अच्छे आते हैं, वॉच टाइम अच्छा आता है, लेकिन जो सब्सक्राइब और रेट है वो बहुत ही कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल, आपको दिखेगा नीचे एक बटन सब्सक्राइब का, उसको दबाओ। इससे क्या होगा, हमारे फ़ायदा होगा, हमें मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट आगे जाके। यहाँ पर लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये है सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो नीचे जाके और बराबर में मिलेगी आपको एक घंटी, उसको दबा लो। उससे क्या होगा, जब भी मैं डालूंगा अगली वीडियो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वहाँ जाइए उसको ज्वाइन करें। फिर आपको यह मिलने वाली है बहुत ही तगड़ी, बहुत ही बढ़िया गेमिंग सर्विस, जो कि बेस्ट है।